नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल में साठोत्री कविता। तो आज का हमारा अध्ययन का विषय है बीए थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट में साठोत्री कविता। तो आप सबका फिर से ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है और आज हम पढ़ रहे हैं साठोत्री कविता। साठोत्री कविता क्या है, इसके प्रमुख कवि, उनका काव्य, आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। साठोत्री कविता, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, साठ धन उत्तरी अर्थात साठ के बाद की कविता साठोत्री कविता। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं सन 1960 के बाद की जो कविता है वो साठोत्री कविता कहलाई, जिसमें विद्रोह का स्वर, हताशा, निराशा, असंतोष ये सब देखने को मिलता है। और इससे पहले हमने पढ़ा नई कविता और उससे भी पहले प्रपद्यवाद, प्रयोगवाद, नकेनवाद। प्रपद्यवाद जिसे कि नकेनवाद कहा गया, प्रयोगवाद के बारे में पढ़ा, प्रगतिवाद के बारे में पढ़ा। तो इससे पहले हमने इन सब के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ रहे हैं साठोत्री कविता। नई कविता में क्या था, इससे पूर्व हमने पढ़ा नई कविता। नई कविता में विद्रोह का स्वर, अराजकता ये सब था, पर जो साठोत्री कविता थी वो इस विद्रोह के स्वर और अराजकता का एक बढ़ा हुआ रूप है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि नई कविता में जो विद्रोह और अराजकता जैसी स्थितियाँ थी उन्हीं का ही बढ़ा रूप, उनका उत्कृष्ट रूप जो है, उनकी अधिकता साठोत्री कविता के उदय का कारण बनी। तो आज हम चर्चा करेंगे साठोत्री कविता पर। तो आइए शुरू करते हैं। साठोत्री हिंदी के साहित्य में, साठोत्री के साहित्य के बारे में जानें तो साठोत्री हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत 1960 ईस्वी के बाद एक मुख्यतः धारा चली जिसे एक नव लेखन का रूप दिया गया। नया लेख था जिसमें हम काव्य भी ले सकते हैं और गद्य भी ले सकते हैं। इसके अंतर्गत नई कविता भी आएगी और नई कहानी का स्वरूप जो है वो भी इसके अंतर्गत आएगा। तो 1960 के बाद नवलेखन, नया लेखन युग से काफ़ी हद तक भिन्नता की प्रतीति कराने वाली एक ऐसी पीढ़ी के द्वारा रचित साहित्य है जो विद्रोह और अराजकता का स्वर लिए हुआ था, जिसमें विद्रोह और अराजकता की प्रधान था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, विद्रोह और अराजकता का जो बढ़ा हुआ रूप है वही साठोत्री के उदय का कारण बना, इसमें जो है एक ऐसा रूप सामने आया। हालांकि इसके साथ साथ सहजता व जनवादी चेतना की समानांतर धारा भी नजर आई। साहित्य क्षेत्र में प्रवाहमान रही जो कि बाद में प्रधान हो गई, अर्थात विद्रोह अराजकता का बढ़ा हुआ रूप जिसके साथ साथ सहजता और जनवादी चेतना भी नजर आई और जिसने बाद में धीरे धीरे अपनी प्रधानता स्थापित कर ली। साठोत्री लेखन या साठोत्री कविता में विद्रोह चेतनायुक्त आंदोलन प्राथमिक रूप से कविता के क्षेत्र में प्रमुख रहा, मुखर रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि साठोत्री कविता का जो मुख्य बिंदु था वही था विद्रोही चेतनायुक्त आंदोलन। उसमें एक ऐसा आंदोलन था जो विद्रोह के स्वर से भरा हुआ, ऐसी चेतना थी जो विद्रोही स्वर से भरी हुई चेतना का आंदोलन था साठोत्री साहित्य का आंदोलन। और इसीलिए इसके संबंध में अन्य बहुत सारे आंदोलन भी चले। तो मैं कोशिश करूँगी अगली कक्षा में आपको उन आंदोलनों से परिचित कराने की, पर आज तो हम पढ़ेंगे साठोत्री कविता के बारे में ही जानेंगे। और इससे अगले की कक्षा का मैं आपको विषय बता देती हूँ पहले ही, इससे अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे साठोत्री कविता के बाद जो विभिन्न आंदोलन आए कविता के क्षेत्र में उनके बारे में। तो आइए अब इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, साठोत्री कविता के बारे में और अधिक जानते हैं। सन 1960 के बाद की हिंदी कविता को साठोत्री कविता कहते हैं। सामान्य शब्दों में आप इस पद को तो जान ही गए होंगे। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने, उनकी कविता थी किस्म किस्म की कविता। डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त की कविता थी किस्म किस्म की कविता, शीर्षक से अनेक कविता आंदोलनों का विवरण किया। इस कविता आंदोलन में किस्म किस्म की कविता एक शीर्षक के साथ विभिन्न कविता आंदोलन को इन्होंने प्रस्तुत किया। इसमें कौन कौन से थे, अकविता, अस्वीकृत कविता, सनातन सूर्योदय कविता, अपरंपरावादी कविता, न्युयुत्सवादी कविता, विद्रोह कविता, कबीरपंथी कविता, फैंटेसी कविता। फैंटेसी से तात्पर्य है अद्भुत कल्पना,
एक ऐसी कल्पना जिसका होना संभव ना हो वह कहलाती है फैंटेसी। एक साई कविता, बीट कविता, ठोस कविता, नंगी कविता, नूतन कविता, एंटी कविता, टटकी कविता, नव प्रगतिवादी कविता आदि, ये सब इसी काव्य आंदोलन में ही उल्लेखित हैं। और परंतु इनका एक विशेष स्थान, एक विशेष महत्व नहीं रह सका। ये कुछ थोड़े थोड़े रूपों में आगे आए, थोड़े थोड़े प्रकारों में सामने आए, नजर आए। साठोत्री कविता का मूल स्वर, मैंने आपको बार बार बताया है, विद्रोह का स्वर है, अराजकता का स्वर है। तत्कालीन समाज में व्याप्त जो विकृति है, विसंगतियां हैं, स्वार्थवादिता है, इनके विरुद्ध साठोत्री कविता में जो काव्य है एक नए स्वर के साथ उभरा है, जो कि विद्रोह का स्वर है, विद्रोही चेतना का स्वर है। ये है हमारी साठोत्री कविता। इसमें हम कुछ कवियों के बारे में देखें तो आज हम पढ़ेंगे धूमिल के बारे में, चंद्रकांत देवताले के बारे में और अरुण कमल। ये साठोत्री कविता के कुछ प्रमुख कवि हैं, तो आज हम इनके बारे में सामान्य जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं धूमिल से। तो धूमिल के बारे में हम जानेंगे कि धूमिल का जन्म वाराणसी के पार खेवली गांव में सन 1936 में हुआ, और मूल नाम था इनका सुदामा पांडे। इनका नाम धूमिल नहीं था, इनका मूल नाम था सुदामा पांडे। धूमिल नाम से इन्होंने कविताएं लिखी, कविता लिखते थे तो धूमिल उपनाम से लिखते थे। इन्होंने नई कविता और साठोत्री कविता के अलगाव को स्पष्ट रूप देते हुए अकविता की बात की है। तो अकविता के क्षेत्र में जो हम प्रमुख नाम माने तो धूमिल का है। सन 1975 में 38 वर्ष की अल्पायु में ही ब्रेन ट्यूमर की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो जीवन काल है बहुत ही कम रहा, परंतु उस कम जीवन काल में भी इन्होंने साहित्य में अपना भरपूर योगदान दिया। तो धूमिल एक ऐसे कवि थे जिन्होंने साठोत्री कविता के अलगाव को अपने काव्य में स्पष्ट किया है। इनके काव्य संग्रह पे बात करें तो इनके काव्य हैं संसद से सड़क तक, 1972 में ये इनका पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। 1972 में इनका पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे। 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इन्हें अपनी इस रचना पर। इनकी रचना काफ़ी प्रसिद्ध रही, कल सुनना मुझे, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये इनकी अगली रचना है, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। उनकी पटकथा कविता बुजरवा के विरुद्ध युद्ध की प्रतीक है, ये जो एक पटकथा के रूप में है और बुजरवा के विरुद्ध युद्ध का ही इसमें प्रतीकात्मक रूप देखने को मिलता है। पतझर कविता में भयानक बेकारी का चित्रण, बेरोजगारी का चित्रण इस काव्य में हमें नजर आया, देखने को मिला। तो पतझर इनकी कविता है, और इसी के साथ साथ कुछ अन्य कविताएं हैं जैसे कि मोचीराम, 20 साल बाद, रोटी और संसद, ये इनके उल्लेखनीय काव्य हैं। तो एक बार फिर से सुनिए, संसद से सड़क तक इनका पहला काव्य संग्रह रहा, कल सुनना मुझे पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र ये इनकी पटकथा है जो कि बुजुर्गों के विरुद्ध युद्ध का प्रतीकात्मक रूप प्रस्तुत करती है, पदसर इनकी भयानक बेगारी का चित्रण करने वाली कविता है, और मोचीराम, 20 साल बाद, रोटी और संसद, ये इनकी अन्य उल्लेखनीय कविताएं हैं। हम इनकी कुछ कविता की कुछ पंक्तियों पर दृष्टि डालते हैं, तो देखते हैं रोटी और संसद इनकी कैसी कविता है और कैसे इसमें इन्होंने स्थिति को व्यक्त किया है। तो ये कहते हैं, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है और ना ही रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। तो यहाँ पर इन्होंने अपने देश की, हमारे देश की राजनीतिक स्थिति को चित्रित करते हुए उस पर एक तरह से व्यंग्य प्रदर्शित किया है कि इन्होंने कहा है कि मैं तीसरा आदमी भी देखता हूँ जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। तो हमारे में हमारे देश के राजनीतिक नेताओं पर व्यंग्य यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है कि जो रोटी से खेलता है। तो
वही आगे इन्होंने व्यंग्य रूप में कहा, मैं तीस ये पूछता हूँ तीसरा आदमी कौन है, तो मेरे देश की संसद मौन है। यहाँ पर राजनीति पर व्यंग्यात्मक रूप व्यक्त हुआ है धूमिल के द्वारा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, अगला नाम देखते हैं, चंद्रकांत देवताले। चंद्रकांत देवताले का जन्म हुआ सन 1936 में जोलखेड़ा जिला बैतूल में मध्य प्रदेश। हिंदी में अकविता आंदोलन के प्रमुख कवियों में ये एक हैं। इन्हें आदमी के अत्याचार के विरुद्ध लड़ना पसंद है। इनके काव्य संग्रह पर हम अगर दृष्टि डालें तो इनके काव्य हैं हड्डियों में छिपा ज्वर 1973 में इन्होंने ये लिखा, दीवारों पर खून से 1975 में लिखा ये, लक्कड़ बग्घा हंस रहा है 1980, रोशनी के मैदान की तरफ भूखंड तप रहा है। ये चंद्रकांत देवताले के कुछ काव्य संग्रह थे, हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लक्कड़ बग्घा हंस रहा है, रोशनी के मैदान की तरफ भूखंड तप रहा है। इन्होंने आदमी के जो है अत्याचारों के विरुद्ध लड़ना, उसके विरोध का स्वर अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। कुछ इसके बारे में, इनके बारे में हम और आगे जानते हैं कि 8वें दशक की कविता में लक्कड़ बग्घा हंस रहा है इनकी काफ़ी प्रचलित और काफ़ी चर्चित कविता रही। जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि चंद्रकांत देवताले का जो चर्चित काव्य रहा लक्कड़ बग्घा हंस रहा है, उन पर इन पर जो चंद्रकांत देवताले हैं इन पर मुक्तिबोध का गहरा प्रभाव है। मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध का भी ये काफ़ी इनके काव्य पर प्रभाव नज़र आता है। भयानक बिंब सृजन, व्यंग्यात्मक भाषा, सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति इनकी कविताओं में देखने को मिलती है। इसका इन्होंने सशक्त रूप से चित्रण अपने काव्य में किया है, बिंब सृजन, व्यंग्यात्मक भाषा और समाज के यथार्थ को इन्होंने मुख्य बिंदुओं के रूप में लेकर ये चले। चंद्रकांत देवताले देश की 24 भाषाओं के विशेष साहित्यिक योगदान के लिए प्रख्यात है। इनके बारे में प्रमुख बात है कि इन्होंने देश की 24 भाषाओं में साहित्यिक योगदान किया, और इसी के साथ 2011 में इन्हें कविता सम्मान प्राप्त हुआ और 2012 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से ये सम्मानित हुए। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में इनका योगदान काफ़ी सराहनीय रहा। अगला नाम हम देखते हैं अरुण कमल का। अरुण कमल जी का जन्म 1954 में बिहार के रोहतास जिले के नारसीगंज में हुआ। अरुण कमल का जन्म 1954 में बिहार के रोहतास जिले के नारसीगंज में हुआ। अरुण कमल का वास्तविक नाम था अरुण कुमार, और साहित्य में ये क्या लिखते थे, अरुण कमल। तो साहित्यिक लेखन के लिए इन्होंने अरुण कमल नाम अपनाया, जबकि इनका वास्तविक नाम था अरुण कुमार। इनके काव्य पर अगर नज़र डालें तो इनका काव्य है अपनी केवल धार विपाशा की हार। ये इनकी काव्य हैं अपनी केवल धार, विपाशा की हार। अपनी केवल धार जो है इनका पहला काव्य संग्रह है, जो कि 1980 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद सबूत 1989 में, नए इलाके में, ये इनका प्रमुख काव्य संग्रह रहा और इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाला सराहनीय पुरस्कार है, और इससे अरुण कमल को सम्मानित किया गया अपने काव्य नए इलाके में। तो ये था कवियों के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। तो आज हमने पढ़ा साठोत्री कविता क्या है, अर्थात सन 1960 के बाद की कविता साठोत्री कविता, जिसमें कि विद्रोह और अराजकता का स्वर देखने को मिलता है। ये विद्रोह और अराजकता नई कविता में भी था, परंतु हम ये कह सकते हैं कि विद्रोह और अराजकता का बढ़ा हुआ रूप ही साठोत्री के उदय का कारण बना, और इसने विभिन्न कविता आंदोलन हुए जिसे कि हम अगली कक्षा में ज़रूर पढ़ेंगे। और फिर हमने कुछ प्रमुख कवियों के बारे में देखा, जैसे कि धूमिल, उनका काव्य किस रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और उनके काव्य की क्या विशेषताएँ रही और किससे वो प्रभावित रहे। चंद्रकांत देवताले, जिनके काव्य पर मुक्तिबोध का अत्यंत गहरा प्रभाव नजर आया, और अरुण कमल। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।